यूपी के प्रतापगढ़ से राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा नाबालिग व नवयुवकों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राइफल लोड करने के साथ ही उनसे फायरिंग भी करवाई जा रही है। यह वीडियो कंधाई कोतवाली के इब्राहिमपुर गोपालपुर गाँव का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा बारी बारी से राइफल लोड कर वहाँ मौजूद लोगों को दी जा रही है, जिनसे इस राइफल से फायरिंग करवाई जा रही है। इस बीच वहाँ पर नाबालिग को भी यह फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। मामले को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से इसका संज्ञान लिया गया है। पुलिस की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि हवाई फायरिंग का एक वीडियो प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र कंधाई के ग्राम इब्राहिमपुर गोपालपुर से संबंधित है। थाना कंधाई पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ लाइसेंसी असलहे को भी बरामद किया गया है। घटना को लेकर अभियोग पंजीकृत कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण को लेकर भी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।